नमस्कार विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा जल संसाधन, प्रथम पाठ पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा पाठ। दूसरे पाठ में है राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजना। ये भी बहुत से उद्देश्य हैं राजस्थान में। कल हमने पढ़ा केंद्र सरकार की बनाई हुई बहुउद्देशीय जल परियोजना, जो हम भारत सरकार कह सकते हैं, जो देश के अंडर आती है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजना। सबसे पहले है चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना ये एक राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना जो चंबल नदी पर है, नदी का नाम है चंबल नदी। नदी कौन सी है? चंबल नदी पर है, चंबल नदी है। उसके बाद में राज्य राजस्थान व मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है चंबल घाटी परियोजना। वर्ष 1953 में प्रारंभ हुई और तीन बांध है इस चंबल घाटी परियोजना के तहत। तीन बांध बने गए हैं और किस नदी पर बने गए हैं? चंबल नदी पर बने गए हैं। वो बांध है गांधी सागर बांध। यह है मध्य प्रदेश में एक बांध। कौन सा है? गांधी सागर बांध। दूसरा है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर, ये राणा प्रताप सागर बांध है राउत भाटा। आता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ में। और तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध है कोटा में। तो विशेष रूप से ध्यान देना, राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजना, उसकी पहली परियोजना है राजस्थान की कौन सी? चंबल घाटी परियोजना। चंबल नदी पर बनाई गई है। राज्य कौन कौन से राज्य इसका फायदा ले सकते हैं? आपको पता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। 1953 में ये बननी प्रारंभ हुई थी। अब देखो, इस चंबल नदी पर इस परियोजना के तीन बांध बनाए गए। सबसे पहले गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में, और ये दो बांध है बाकी के वो है राजस्थान में। राणा प्रताप सागर जो महाराणा प्रताप के नाम पर है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में आता है, जहाँ परमाणु संयंत्र भी हैं। जवाहर सागर बांध है कोटा में, और इसको कोटा और बूंदी जिलों को फायदा मिलता है। दूसरा बांध है परियोजना है कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना है। नदी आपको पता ही है कौन सी है? माही नदी है। और इसमें राज्य फायदे ले रहे हैं गुजरात व
राजस्थान, माही बजाज सागर परियोजना, बच्चों फिर से ध्यान दें, माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर बनाई गई है, उसके दो राज्य फायदे ले रहे हैं, गुजरात और राजस्थान। और गुजरात और राजस्थान, इसका विशेष क्या है इसका, देखो माही सागर परियोजना का इसकी बात यह है, विशेष रूप से माही बजाज सागर परियोजना की, डूंगरपुर डूंगरपुर वे बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों का विकास करना। विशेष रूप से याद रखना है माही बजाज सागर परियोजना जो माही नदी पर बनाई गई है, और दो राज्य इसको फायदा ले रहे हैं, जो गुजरात और राजस्थान। अब आपको आगे क्या याद करना है, देखें अभी जो राजस्थान में है दो जिले इसको विशेष रूप से इसको फायदा दिया गया है, कितने जिले, दो जिले, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र आता है, जो पहले बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, उस पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास करने के लिए इस माई नदी पर जो डैम बनाया गया है, बांध बनाया गया है, उस बांध का डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो आदिवासी क्षेत्र है उसको ऊंचा उठाने के लिए, उसको सिंचित क्षेत्र का वृद्धि करने के लिए और सर्व समाज के बराबर लाने के लिए, विशेष रूप से इन दो जिलों के आदिवासी क्षेत्रों के लिए ये योजना लागू की गई है, माई बजाज सागर योजना। ये विशेष रूप से आप याद करना, ये माई बजाज सागर परियोजना है ना, ये बार बार परीक्षाओं में आती है, इसलिए आपको ये याद करना जरूरी है। कई बार पूछते हैं सीधा ये आ जाता है, राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के लिए कौन सी परियोजना काम कर रही है, ये ऐसा आ जाए डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के लिए, पिछड़े क्षेत्रों के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के लिए कौन सी जल परियोजना वर्तमान में काम कर रही है, तो आपको एक एक उत्तर लिखना है सीधा, माही बजाज सागर परियोजना जो माही नदी पर बनाई गई है। तो ये दो हो गई राजस्थान की बहुत सी परियोजना, चंबल घाटी परियोजना और माही बजाज सागर परियोजना, ये दोनों आपको याद करके आना है। अब देखो आगे हम इसको साफ करते हैं, घर पर निरंतर पढ़ाई करते रहना, ऐसा नहीं है भाई, जैसे मान लीजिए सर को क्या पता चल रहा है, सर दूर हैं, वो तो सिंगल ही बना रहे हैं, कौन ध्यान रखें कौन ध्यान नहीं रखें, है ना, तो ये सारे चीज़ हम आपके लिए कर रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी। अब है बिसलपुर परियोजना, कौन सी परियोजना है, बिसलपुर परियोजना तीसरी, है ना, बिसलपुर परियोजना, ये बिसलपुर परियोजना है, ये भी बहुउद्देशीय परियोजना है, और ये है नदी कौन सी है, नदी है बनास नदी, बनास नदी है, और टोंक जिले में है, जिला कौन सा है इसमें, कहाँ राजस्थान में कहाँ बना हुई है ये परियोजना, टोंक जिला, टोंक में है, विशेष रूप से ये कहाँ है, टोंक में बिसलपुर परियोजना बनास नदी पर ये बनाई हुई है। और विशेष रूप से विशेष क्या है, विशेष है सिंचाई वे पेयजल के लिए, सिंचाई वे पेयजल के लिए, ये विशेष रूप से सिंचाई और इसमें विद्युत उत्पादन वो नहीं है, उद्देश्य बहुत है, लेकिन इसमें बिसलपुर दो ही उद्देश्य से बनाई गई है, एक तो सिंचाई और पेयजल के लिए, किस जिले के लिए, टोंक जिले के लिए, और 256 गांव के लिए, सिंचाई कितने गांव के लिए है, 256 गांव को इसका फायदा मिलता है, 256 गांव को फायदा मिलता है इसको,
सिंचाई 256 गांवों को के लिए ये फायदा ले रहे हैं। किस परियोजना से? बिशनपुर परियोजना से। फिर से आपको याद करना, किस नदी पर है? बनास नदी पर है। जिला कौन सा है? टोंक में है ये परियोजना, विशेष सिंचाई और पेयजल के लिए और 256 गांवों के। इतना अगर आप, ऐसा प्रश्न आता है कि टिप्पणी लिखिए, क्या लिखनी है? टिप्पणी। टिप्पणी आई कि बिशनपुर परियोजना पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको लिखना है बिशनपुर परियोजना बनास नदी पर बनाई गई है और ये टोंक जिले में है और विशेष रूप से सिंचाई और पेयजल के लिए है और सिंचाई के तहत 256 गांवों को इससे फायदा मिलता है। ये परियोजना, ये आपके कंप्लीट हो जाएगा अगर आप पढ़ोगे तो। तो तीन होगी, पहले चंबल घाटी परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना और ये तीसरी कौन सी हुई? बिशनपुर परियोजना। अगली परियोजना है, चार नंबर है, कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। चलो उसमें साफ करके ऊपर लिखते हैं, ये देख ली, चलो कोई बात नहीं। चौथी है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानी जाती है। तो ये चौथी परियोजना है, याद रखना, इंदिरा गांधी नहर कह सकते हैं आप या राजस्थान नहर कह सकते हैं। ये राजस्थान की जीवनदायी रेखा है। फिर राजस्थान में मीठा पानी इतना उपलब्ध नहीं था पश्चिम राजस्थान में, तो कौन सी ये नहर कामयाब हुई जो पश्चिम क्षेत्र का विकास करने में? वो है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। तो इसके उद्देश्य क्या है? देखो, उद्देश्य है पेयजल सिंचाई व्यर्थ भूमि का उपयोग। तीन बिंदु हो गए, सिंचाई पेयजल और व्यर्थ भूमि का उपयोग और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी का बसाव है ना। ये चार पॉइंट हो गए, यानी पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर लाने का उद्देश्य क्या है, यानी उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य ये है, याद रखना, पेयजल, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में बहुत ही जल की कमी है, ज़्यादा फायदा नहीं था, लोग कुओं से इस प्रकार पानी पीते थे, यानी पश्चिम राजस्थान वैसा आपको पता ही है जल का बहुत अभाव है, क्योंकि जो भी ज़्यादातर गांव में खारा पानी है वो कुओं के माध्यम से हम निकालते हैं, तो उसमें कौन सा है? पेयजल। तो पेयजल की समस्या के लिए सबसे पहले हम इंदिरा गांधी नहर के बारे में विचार किया। दूसरा उद्देश्य था सिंचाई, जो मरुस्थल इलाका है, सीमा के आसपास है, वहाँ मरुस्थल इलाकों में सिंचाई के लिए भी इस नहर का उपयोग किया गया, ये दूसरा उद्देश्य था उसका। तीसरा है व्यर्थ भूमि का उपयोग, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना आसपास, वहाँ बहुत ही व्यर्थ भूमि पड़ी है, बड़े बड़े बीड़ पड़े हैं दोहरे, उस भूमि को उपयोग में लेने के लिए, यानी मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए। बात इसमें नहीं लिखी गई फिर भी याद रखना, मरुस्थल प्रसार को रोकने के लिए। जब गर्मियों का मौसम होता है, धूल चलती है, तो ये आंधी यहाँ भयंकर चलती है, उस प्रसार को रोकने के लिए व्यर्थ भूमि का उपयोग किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी का बसाव, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अगर आसपास ये नहर निकल जाएगी तो नहर निकलने के कारण आसपास आबादी भी बढ़ेगी तो सीमा भी सुरक्षित रहेगी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी का बसाव करने के लिए इस नहर के बारे में विचार किया गया। तो देखो कितने उद्देश्य हो गए, पेयजल सिंचाई व्यर्थ भूमि का उपयोग तीन, और चार नंबर क्या हो गए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी का बसाव। ये चार बिंदु सोचकर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर, बोलो कोई बात नहीं, ये की है, ये राजस्थान में नहर लाई,
इन चार बिंदु, एक बिंदु को सोच कर नहीं लाई, चार बिंदु को सोच कर ये राजस्थान में नहरें आई थी। आपको याद करना है, ऐसा नहीं है जैसे काम चला लिया यार कोई बात नहीं पढ़ लेंगे क्या है सर, है ना। तो ये सिंपल सी चीज़, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप सोच रहे हार्ड है क्या पढ़ें क्या नहीं करें, है ना, इतना हार्ड नहीं है। देखो, पेयजल, सिंचाई, व्यर्थ भूमि का उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी का बसाव, नहीं है ना हार्ड। चार उद्देश्य याद रखने मात्र के। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर राजस्थान में लाने का क्या उद्देश्य थे, तो ये चार बिंदु है जो विशेष रूप से आपको याद रखना है। ये बहुत शानदार प्रश्न बन रहा है। आप ये समझ सोचना भाई ये तो ऐसा ही है, कोई मतलब नहीं है ना। तो ये उद्देश्य है इंदिरा गांधी राजस्थान, पेयजल, सिंचाई, व्यर्थ भूमि का उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी का बसाव। पेयजल आपको पता है, हम गांव में खुद कौन सा पानी पीते हैं, इंदिरा गांधी नहर का पानी पीते हैं, कौन से, इंदिरा गांधी नहर का पानी पीते हैं। कहते हैं ना माता सुगो नहीं, इंदिरा गांधी नहर का पानी है, जो हमारे बुजुर्गों ने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि हम नहर का पानी पियेंगे। हिमालय से देखो कहाँ कहाँ से हम आगे पढ़ेंगे, कौन कौन सी नदी है, कहाँ से नहर निकलती है, ये पानी आज देखो हमारे गांव में हम उसका, इस पानी का प्रयोग करते हैं, कभी सोचा नहीं था। बड़े बुजुर्ग पूछ लो आप, कभी पूछ लेना कि हमने कभी सोचा था क्या हम इंदिरा गांधी नहर का गाँव में पानी पियेंगे, बर्फीले हिमालय का कभी पानी पियेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये दुनिया है, टेक्नोलॉजी है, कुछ भी संभव है। अब देखो आगे, ये सतलज और ये इंदिरा नहर कहां से निकल गई है, नदी सतलज वे व्यास, सतलज वे व्यास का संगम, सतलज और व्यास नदी के संगम पर एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज, सतलज और व्यास नदी के संगम पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज। याद रखना, हो सतलज और व्यास नदी दोनों मिलती है ना, जहाँ मिलने पर एक बांध बनाया गया है, बांध, उस बांध में हरिके बैराज, हरिके बैराज से एक नदी निकाली गई है, सॉरी नहर निकाली गई है, उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये पंजाब में बहुत चलती है, लेकिन उसमें पंजाब उस नहर का पानी का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो राजस्थान की नहर है। देखो चोरी छिपे कर सकते हैं, बात अलग है, लेकिन विशेष रूप से और राजस्थान में फिडर नहर बोलते हैं उसको, उसमें ज़्यादा उसका प्रयोग नहीं करते हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, विशेष रूप से याद रखना हो। ये एशिया महाद्वीप की मानव निर्मित, ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, यानी प्राकृतिक तो बहुत है लेकिन मानव निर्मित, मानव की बनी हुई सबसे लंबी और सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर है जो राजस्थान में बहती है। ये भी अच्छा पॉइंट है कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर का नाम बताइए, तो आप बेझिझक कोई टेंशन लिए बगैर आप बता देना। अब ये नाम मत बताना, ये बताना इंदिरा गांधी नहर, आपका एकदम उत्तर सही होगा। अब देखो इसकी लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है 649 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, विशेष रूप से याद रखना कुल लंबाई कितनी है 649 किलोमीटर। और इसमें लिफ्ट नहरों की संख्या 7 है, लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है,
सात हैं, लिफ्ट नहर सात है, इसमें लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, सात है। और ये नहर जब ये हरि की वेरा से निकलती है ना, फिर ये पंजाब, पंजाब के बाद में राजस्थान, गंगानगर में प्रवेश करती है, अंतिम उसका अंतिम बिंदु कौन सा पता है आपको, अंतिम बिंदु अंतिम बिंदु गड्रा रोड बाड़मेर तक है, याद रखना गड्रा रोड बाड़मेर तक ये नहर है। विशेष रूप से वापस देख लेना, इंदिरा गांधी नहर है, उद्देश्य आपको मैंने बता दिए बार बार, चार उद्देश्य हैं, सतलज और व्यास के संगम पर बनी हुई है, उसका नाम है हरि के बैराज, हरि के बैराज से ये नहर निकलती है और कहाँ से निकलती है, हरि के बैराज से, और ये अंतिम में जाकर कहाँ रुकती है पता है आपको, गड्रा रोड बाड़मेर तक जाती है अंतिम रूप से, कहाँ जाती है, गड्रा रोड बाड़मेर। कुल लिफ्टों की संख्या कितनी है, सात है, और ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है और 649 किलोमीटर लंबी है, जो आदि पंजाब में है, ज़्यादातर राजस्थान में ही है। तो ये चार परियोजना हो गई है ना, तो उसमें अब आगे देखें है राजस्थान की परियोजना, लेकिन छोटी छोटी परियोजना है ना, चलो इसको साफ कर देते हैं, सही ढंग से देख लिया, ओके चलो आगे देखते हैं। आगे हम लिखते हैं कौन सी है, जाखम परियोजना, जाखम परियोजना याद रखना विशेष रूप से। नदी कौन सी है, जाखम नदी है, कौन सी नदी है, जाखम नदी, जाखम परियोजना जाखम नदी है, और इसका उद्देश्य है किसको पेयजल पिलाना है, उद्देश्य चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़, इनको फायदा है और इनके आदिवासी क्षेत्रों का विकास करना, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को सिंचाई, आदिवासी प्रतापगढ़ क्षेत्रों को सिंचाई हेतु, इतनी है आप इतनी पढ़ लोगे तो ये आपकी योजना जाखम परियोजना तैयार होगी। जाखम परियोजना कौन सी परियोजना, जाखम परियोजना याद है ना, किस नदी पर है, जाखम नदी पर, उद्देश्य कौन, उसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाई, यानी ये इसलिए बनाई चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के सिंचाई की व्यवस्था हेतु, पेयजल नहीं, पेयजल है वैसे तो, लेकिन मेन उद्देश्य क्या था, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ के जो आदिवासी हैं, पिछड़े लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, पठारों में रहते हैं, उनको सिंचाई हेतु ये परियोजना बनाई गई है, जाखम नदी पर, जाखम में परियोजना। ये पांच द्वितीय, अब देखो आगे छठी कौन सी है, ये देखो है ना, छठी है सोम अंबा कमला, सोम अंबा कमला ये परियोजना है, ये है परियोजना सोम अंबा और कमला, याद करना विशेष रूप से, और उसमें है ये सोम नदी पर है, नदी कौन सी है, और उद्देश्य बांगड़ क्षेत्र के विकास हेतु, बांगड़ क्षेत्र के सोम अंबा कमला
परियोजना है ना, नदी सोम पर है, उद्देश्य बांगड़ क्षेत्र है जो दक्षिण भारत में है, सॉरी दक्षिण राजस्थान में है, उनका विकास के लिए ये योजना बनेगी है। कौन सी परियोजना? सोम कमला और अंबा और कमला। किस नदी पर है? सोम नदी पर है। उद्देश्य है बांगड़ क्षेत्र के विकास हेतु ये बनाई गई है। और इसमें है डूंगरपुर की आसपुर उदयपुर की सलुम्बर तहसील गांव की सिंचाई सुविधा हेतु इसका नाम है। डूंगरपुर की आसपुर उदयपुर की सलुम्बर, डूंगरपुर की आसपुर और उदयपुर की सलुम्बर तहसीलों के लिए ये विशेष रूप से फायदे के लिए परियोजना बनाई गई है। गांव में सिंचाई की सुविधा के लिए बनाई गई है। तो कितनी परियोजना हो गई? 7 परियोजना हो गई टोटल। चलो इसको साफ करते हैं। सही ढंग से आपने समझ लिया होगा है ना, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजना। अब है मेजा बांध परियोजना। मेजा बांध परियोजना है 7 नंबर। मेजा बांध परियोजना, मेजा बांध परियोजना ये है नदी, आपको पता ये कोठारी नदी है। नदी कौन सी है? कोठारी नदी पर बनेगी है। अलग अलग नदियों परियोजना जल परियोजना होती है ना, हमेशा ही नदियों पर ही होती है लगभग। तो ये किस नदी पर बनाई गई है? कोठारी नदी पर बनाई गई है। और भीलवाड़ा के मांडगढ़ तहसील के मेजा गांव में ये है। कहाँ? भीलवाड़ा के मांडलगढ़, भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के मेजा गांव में है। कौन से गांव में है? मेजा गांव में बना हुआ है ये। कौन सा बांध? मेजा बांध। और उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? मछली पालन। और एक और है दूसरा, वो है नहर निकालना, नहर प्रणाली। इसके दो उद्देश्य मेन, सभी उद्देश्य ध्यान रखना। मेजा बांध है भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में मेजा गांव में, इसलिए उसका नाम मेजा बांध पड़ा है ना। आप गांव को बांध से मिला लो, मेजा मेजा। लेकिन ये भी याद रखना है, कौन सा याद रखना है? भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में है। कौन सी नदी पर है? कोठारी पर है। उद्देश्य क्या है बोल बताओ? उद्देश्य दो है ना, मछली पालन और नहर निकालना, नहर मतलब सिंचाई करना, पेयजल व्यवस्था करना, ये सारी सारी उसमें व्यवस्था की गई है। तो मेजा बांध है ना। चलो अब आगे देखते हैं, ये छोटी सी परियोजना है, इसमें लिख देते हैं सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख परियोजना है गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू के लिए। ये कहाँ है? देखो गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू के लिए 3 जिले इसके फायदा ले रहे हैं। सिद्धमुख ने ये नहर परियोजना एक है, सिद्धमुख नहर परियोजना है जिसका 3 जिले फायदा ले रहे हैं राजस्थान में, गंगानगर हनुमानगढ़ और चूरू। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक है उसका, क्या है? सिंचाई। उद्देश्य क्या है? सिंचाई, याद रखना। हो कितने हो गए सिद्धमुख परियोजना में? गंगानगर हनुमानगढ़ और चूरू। गंगानगर हनुमानगढ़ और चूरू, उद्देश्य क्या है? वही सिंचाई, कृषि करना। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है 8 परियोजना वही है। अब देखो आगे, ये याद कर लेना, वापिस रिपीट करके सुन लेना। अब 9वां है नर्मदा, नर्मदा परियोजना।
इस नर्मदा परियोजना पर एक बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, ये सरदार सरोवर बांध है गुजरात में। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में। ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर यह परियोजना है, सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। उस बांध से राजस्थान के मात्र दो जिलों को फायदा मिलता है। कौन कौन से दो जिले? ये मान लीजिए बांध है, ये नेर आती है ना, तो ये कौन कौन से जिले हैं? एक तो है बाड़मेर, दूसरा है जालोर, जिसको ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं, और इंदिरा गांधी नहर भी लास्ट बाड़मेर तक जाती है ना। तो नर्मदा परियोजना में सरदार सरोवर बांध है, उसमें नहर है, नहर का पानी आता है उसमें, बाड़मेर और जालोर के लिए उसमें काम लेते हैं इसका। लेकिन पानी सिंचाई के लिए नहीं आता है, मात्र पेयजल, खेती नहीं करते हैं, पीने के लिए पानी आता है, पाइपलाइन आती है, नहर आती होगी, तो पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था के लिए ये है। तो उसमें ये आपके लिखी गई है ना। अब है अगला, देखो जवाई बांध परियोजना, दसवां है जवाई बांध परियोजना। जवाई परियोजना ना, जवाई बांध परियोजना, ये विशेष रूप से याद रखना हो। नदी आपको पता ही है कौन सी नदी है? जवाई नदी है। जवाई नदी कौन सी नदी है? जवाई नदी लूणी की सहायक नदी है, याद रखना। लूणी की सहायक नदी है, लूणी की सहायक है कौन सी नदी? जवाई नदी, जिस पर यह जवाई बांध बनाया गया है। कहाँ है स्थान? स्थान है एरिनपुर, एरिनपुर, एरिनपुर पाली, एरिनपुर पाली में है। ये बारहमासी तो नदी है नहीं, वर्षा ऋतु में बहती है, और ये लूणी की सहायक नदी है। जो जवाई नदी पर यह बांध बनाया गया है, कौन सा स्थान है? ये एरिनपुर पाली में ये बनाया गया है जवाई बांध परियोजना, जो लूणी की सहायक नदी है। और वैसे ये पश्चिम राजस्थान में है, एरिनपुर है ये बांध है, और ज़्यादातर जोधपुर पाली आसपास क्षेत्रों में उसको जल की व्यवस्था की जाती है, पेयजल के लिए है, और जब वर्षा ऋतु में ये भरा जाता है। बाकी तो आपको पता ही है सूखी नदियाँ हैं राजस्थान में, कैसी नदियाँ हाल है पता ही आपको ना। तो एरिनपुर पाली में है, जवाई बांध कहाँ है? पाली में, एरिनपुर में, जवाई नदी पर है, जो लूणी की सहायक नदी है। अब पांचना बांध, 11 नंबर है ना, पांचना बांध परियोजना, पांचना बांध परियोजना, पांचना बांध परियोजना ना। ये पांचना बांध करौली के गुड़ला गांव में, स्थान कौन सा है? करौली के गुड़ला गांव में है पांचना बांध परियोजना। कहाँ है? स्थान है करौली के गुड़ला गांव में है, और पांच नदियों के संगम पर है। विशेष क्या है? पांच नदियों के संगम पर है, विशेष याद रखना, पांच नदियों के संगम पर है। पांच, जहां पांच नदियां मिलती है वहां ये बांध बनाया गया, उसको कहते हैं पांचना बांध परियोजना ना। और ये मिट्टी का बांध है, इसकी जो चारों की दीवारें हैं वो किसकी? मिट्टी का बांध है ना, ये मिट्टी का बांध है। जीके का प्रश्न बनता है,
राजस्थान में ऐसा कौन सा बांध है जो मिट्टी की दीवार है या मिट्टी से बनाया गया है? मिट्टी का बांध है। कौन सा बांध है? पांसना बांध। कौन सा बांध है? पांसना बांध है। अब देखो आगे लास्ट पॉइंट है जल संरक्षण। लास्ट पॉइंट है आज का इस वीडियो का जल संरक्षण। यानी जल का बचाव। पश्चिमी राजस्थान में जो जल व्यर्थ बह रहा है और जिसका संरक्षण करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान में उसका समुचित ढंग से उपाय करना, सही ढंग से जल का बचाव करना, जो फालतू नदी नालों में बह रहे हैं उसका समुचित बांध के बनाना, जैसे पश्चिम राजस्थान में टांके का निर्माण, नाड़ी का निर्माण, कुएं का निर्माण, बावड़ी का निर्माण, ऐसे करके जल को बचाव करना, यानी दुरुपयोग जल का समुचित व्यवस्था करना, इसको कहते हैं जल संरक्षण। विशेष रूप से आने वाले समय में जल की इतनी समस्या होगी, उस जल की समस्या से निजात पाने के लिए जल का संरक्षण अति आवश्यक है। आजकल गवर्नमेंट तरह तरह की योजना भी चला रही है और ताकि लोग जागरूक हो सके, जल का बचाव सके। हम तो वैसे ही जल का करते हैं जो हम छत का पानी टांकों में उतारते हैं, और जो गांव में खेतों में जो टांका होता है होद बोलते हैं उसका, जो आसपास का जो एरिया है उसका ताल बोलते हैं उसका, पानी होद के अंदर आते हैं ना, तो उसका पानी हम अगर यूज लेते हैं ना, तो उस यूज को, वो एक जल संरक्षण विधि है। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की है, लेकिन राजस्थान में विशेष रूप से आपको पता ही है, बड़े बुजुर्ग बताते हैं, राजस्थान में शुरू से ही जल की बहुत बड़ी समस्या रही है। तो जल की समस्या से निजात पाने के लिए जल का संरक्षण अति आवश्यक है। और जल बचाव के, जल है तो कल है, आपको पता ही है ना। तो ये हमने दो दिन में, ये कल तो हमने भारत के बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ी, आज हमने पढ़ी राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजना। आप जब सभी घर पर जो देख रहे हैं ना वीडियो, भाई देखो सुनील जी कैसे पढ़ाते हैं क्या नहीं है ना, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं देना है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ ध्यान देनी है, याद करनी है। आप ये समझ सोचना ये दसवीं है, आगे जीवन में कंपटीशन में बहुत आपके लिए काम आएगी। जो आज हमने विधियाँ पढ़ी है आपको सही ढंग से याद करना है, अच्छे अंक बनाने हैं, ऐसे फालतू टाइम पास नहीं करना है, और आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद करना है। जब आप विद्यालय आओगे ना तो मैं पूछूँगा आपको, तुम खड़ा हो ना, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। सब खुश हो, मज़े से घर पर पढ़ाई करो। आप सोच रहे पसंद है मेरी वीडियो समझो आप है ना, मैं आपके मुख्य करूँ, आपके सामने भी हो ना, आप घर पर मज़े से पढ़ाई करो, चाहे बैठ कर करो चाहे लेट कर करो, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है। सब खुश और मंगल। कोरोना का भी ध्यान रखना है, आराम से पढ़ाई, ज़्यादा गाँव में इधर टेलना भी नहीं है, और क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को पता ही नहीं लग जाता है और वो व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है। कोरोना आता नहीं है, कोरोना को लाया जाता है, हम कहीं से पकड़ के लाते हैं, चाहे हम लाएं चाहे हमारे घर वाले लाएं, बीमार लेगा तो फिर पूरा परिवार उसमें ग्रसित हो जाता है। इसलिए कोरोना का बचाव करते हुए आपको घर में ही रहना है और शानदार पढ़ाई करनी है। जो सारे टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसका आपको आनंद लेना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।